एंड वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट टू 2021 के क्वेश्चन, ये 3D श्रेणी वाला, ठीक है। इसको तुलना करना है 4D एंड 5D से। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है 2019 में। देखिए 3D श्रेणी के तत्वों के निम्नलिखित गुण अक्षीकरण अवस्था अनुचुंबकीय व्यवहार संकुल यौगिकों का बनना, इसका आंसर बता दूंगी मैं। देखो देखो डी ब्लॉक तत्व बोलेंगे तो इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। और आपको 4D श्रेणी में देखो नियोबियम, मॉलिबेडनियम इस तरह से आते हैं, प्लेडियम, सिल्वर, और 5D श्रेणी का ए आंसर होता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। याद करना पड़ेगा गाइस, मैंने तो पक्का रट्टा ही मार लिया था क्योंकि वो बार बार आता था ना इसलिए। और ये सॉरी अनुचंबकीय गुण इस तरह से आता है, ये डिब्बा जो बना हुआ है बॉक्स, इसको मत बनाइए आप ये याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ये तो आसान है भाई, हम तो 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th से सॉरी। और गाइस देखिए IUPAC नाम लिखना रहता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखिए ये वाला, इसका आंसर बता रही हूँ, ये रहा देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ए वाला, ए, ठीक है। एमिन है NH3 5। और देखो हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो आउरेट, हाइड्रोजन का देखो कैसे होता है, ये देखो हाइड्रोजन H2 और ये टेट्रा क्लोरो क्यूरेट, ठीक है। ये क्लोरो हो गया, टेट्रा हो गया, टेट्रा मतलब चार, ऐसा लिखते हैं, ठीक। गाइस ये देखिए कोबाल्ट क्लोराइड वाला आता है और एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है ऐसे ही, ये देखिए एक कोबाल्ट एमिन वाला भी आता है, ठीक है। वर्नर के उपसंयोजक तो आंसर ऐसे होता है। गाइस भागवत चल रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी जाना है मेरे को थोड़ी देर में ही। क्वालिटी अच्छी नहीं है मेरे को लगता है वीडियो का, मैं भी देखती हूँ, तो आप हायर पिक्चर क्वालिटी में देखें, ठीक है। देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा लिखना कैसे, ठीक है। ऐसे ही रटोगे तो नहीं होगा। उपयोगिता भी दिया है, ठीक है। और ये है आप जो मांग रहे थे उसमें अभी थोड़ी देर पहले का आंसर है, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड वाला, कोबाल्ट क्लोराइड। बस इतना ही आंसर है गाइस। ए लेंथेनाइड वाला आता है, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है तो हम देख रहे हैं अभी, देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं लेंथेनाइड वाला, तो अभी देखना है इसको अवस्था लिखना है ना लेंथेनाइड वाला का। गाइस इस तरह से है, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था वाला क्वेश्चन इस तरह से बदल बदल के आ सकते हैं, आप ध्यान रखें, लिखना बस आपको यही है। हायर पिक्चर क्वालिटी में देखो, बार बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो ये अवक्षेपण विधि भी आता है और एक पृथक्करण अवक्षेपण के अलावा दूसरा भी आता है, मैं दिखा देती हूँ, देखो इस तरह से आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसी का अथवा क्वेश्चन है, ठीक है। अवक्षेपण विधि समझाइए, देखो गाइस 2021 में आया है, शायद 19 में भी